अच्छा नहीं हुआ आज, 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ जो प्लान्स बनाए थे वो सारे के सारे खत्म, टाटा गुड बाय फिनिश। व्लॉग देखें यार, शुरू से शुरू। सो तैयार हो गया मैं, और मेरा आज इंटरव्यू है, और अभी मुझे कॉल आई है, लेकिन मेरा इंटरव्यू जो है वो है जी 12 बजे के करीब। तो अभी तो फ़िलहाल शोरूम जाना है, और शोरूम जाके देन मैं ज़रा शोरूम ओपन करूँगा, इतने में मेरे फादर आएंगे, फादर आने के बाद मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, इतना टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं, होप सो कि कैसा रहता है इंटरव्यू मेरा। चलें फिर। हाँ जी, तो मैं अभी घर से निकलने लगा तो पता चला जी बाइक ही नहीं है घर पे, हद है यार। तो बस मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने कहा सोचा कि पैदल चले जाते हैं, और आगे से रिक्शा खड़ा हुआ है, तो रिक्शे में बैठ के फिर से शोरूम जाते हैं, फिर वहाँ से बाइक पे कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है कि टाइम ज़ाया ना करें। सो चल, ठीक। जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, जब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि बाइक नहीं होती, या कोई और इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ये मेरे साथ नॉर्मली होता रहता है, इग्नोर, ये मेरे साथ नॉर्मली वैसे होता रहता है, तो मुझे इसे इसकी याद होता है अभी। तो खैर हम चलते हैं, वो बेचारा अभी क्लिप वगैरह लगा रहा, तो लगा के फिर निकलते हैं। सो द टाइम वॉज कम, अभी हो रहे हैं 11:15। मैंने अपने फादर को भी फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि बस मैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊँगा, अल्लाह करे वो 11:30 बजे तक मेरे पास हो, ताकि फिर मुझे आगे भी जाना, और आगे का जो सफ़र है वो तकरीबन 10 से 1 मिनट। होप सो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, उम्मीद है पूरी कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। बाकी किस तरह का इंटरव्यू होता है, कौन लोग हैं, ये तो वहां जाके पता चलेगा। मैं तो सिर्फ एक ऑनलाइन अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो मुझे कॉल आ गई है भी मुल्तान की, सबसे बड़ी बात है, कहीं और बाहर के लिए। और ये भी रिकमेंड करने वाला मेरा एक फ्रेंड था, है तो नाम उसका जरनील, तो जरनील अल्लाह करे कि आई गॉट अ जॉब, और फिर आगे बताते हैं कि कैसा रहा इंटरव्यू, क्या हुआ। बाकी इधर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, ताकि फादर है तो उनको लगे कि हाँ या बंदे ने सफाई सफाई की हुई। मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। सो देख लिया व्लॉग, सारा कुछ हुआ। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ ये कि मैं तैयार हो गया, मेरे फादर आए, मैंने उनका बाइक की चाबी दे दें, तो मैंने इंटरव्यू में चला। वो कहते हैं कौन सा इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं जाना, तुम यहाँ बैठो, काम संभालो, अब बस ख़त्म, बहुत जॉब कर ली, बहुत नौकरियाँ कर ली, और मैं देख रहा हूँ। हो ये मैंने सोचा नहीं था वैसे, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो हो गया। चलो इसी बहाने मेरा एक ब्लॉग शूट हो गया, और ही इज़ माई फादर, और वो मुझे मेरे से ज़्यादा अच्छी जानते हैं, तो मैं कोई बहस नहीं करता कि नहीं मैं करनी है जॉब, करनी है नहीं करनी, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनको ये पता है कि शायद मेरा बेटा बिज़नेस में ज़्यादा अच्छा जा रहा है बनिस्बत जॉब के, क्योंकि वो जॉब क्यों करे, ही हैज़ हिज ऑन बिज़नेस। और जहाँ तक जवाब सवाल है जॉब करने का, कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है, तो मैं सिर्फ शौकिया करता हूँ, सिर्फ शौक था और एक्सपीरियंस गेन कर रहा था मुख्तलिफ कंपनीज में, और
मैंने पहले भी काफ़ी अर्सा जॉब की है, अबाउट 4 ईयर्स मैंने जॉब की है। अपने FSC कंप्लीट होते ही स्टार्ट में जॉब, तो इट्स ओके, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि नहीं मैं जॉब इंटरव्यू लेके नहीं गया। हाँ, लेकिन जो मैंने प्लान्स बनाए हुए थे वो ख़त्म हो गए। दैट्स द ब्लॉग और होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, और अगला ब्लॉग भी कोई इंटरेस्टिंग सा हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।